मड़ई मेला पूरे जिले का चर्चित मेला है। हर गांव के लोग इस मेले में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है प्राचीन जो परंपरा है, हमारी माता चंडी का पूजन है, ग्वालों का नृत्य है और मिठाइयों की मिठास है। मिठाइयाँ हर घर तक पहुँचें, बच्चों में खुशियाँ रहें, बुजुर्गों का सम्मान हो और हमारी एक परंपरा है, उस परंपरा को जीवंत रखने का काम हमारे मोहत के वासी और हमारे बुजुर्ग लोग करते हैं। मड़ई तो हमोर की उम्रें बीत गई, इतने जमाने से लग रही है और यही पद्धति से चलती आ रही है। बड़ी खासियत है इस मड़ई की, इस मड़ई की तो ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है। क्या खासियत है विशेष यहाँ मड़ई की? यहाँ मिठाई की ज़्यादा दुकानें आती हैं तो वो बिल्कुल खाली करके ले जाते हो। रेट हम लोग तय करते हैं, पूरे जितने सियाने रहते हैं, आज 100 रुपए के हिसाब से मड़ई का रेट खोला है। लगभग 15-17 साल से यहाँ लगातार मैं आ रहा हूँ, प्रत्येक वर्ष आता हूँ। यहाँ कृषि संबंधित मड़ई है, बाहर कृषि पर संगोष्ठी होती है और बहुत अच्छे तरीके से ग्राम के सभी सम्मानी नागरिक बंधु आसपास के ग्रामों को मदद करते हैं, सम्मान बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और यह मड़ई और मेला हमारी संस्कृति है और इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं इसमें ना इसमें कोई छोटा होता ना बड़ा होता है। कैसा लगता है आपको यहाँ आने? बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से क्या मिलता है यहाँ पे? बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। कैसे? जैसे कि मिठाई, मीठा, मनियारी सौदा, सब कुछ। तो जरूरी चीज अपनी मिल जाती है? हाँ, सब कुछ। अच्छा, रेट के मामले में कैसे? रेट में भी ठीक मिलता है, दाम भी ठीक है। मेले में आई हुआ? पहले आई हूँ इसके पहले? हाँ, बहुत पहले से आ रहा है। कैसा लगता है इस मेले में आके? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या यहाँ जरूरी काम की चीज मिल जाती है आपको यहाँ? हाँ, बहुत सी मिलती है। और रेट के मामले में? रेट भी अच्छा लगाते हैं ये लोग। हम 70 वर्ष से हमारे पिताजी आते थे, हम आ रहे हैं जी। हाँ, बाकी इधर व्यवस्थाएं बहुत ही असामाजिक तत्वों का कोई लफड़ा नहीं है, बढ़िया इधर भाव से बिकता है माल।